क्या बना रही हो? नूडल्स। आज हम लोग आए हैं अपनी मेहमानी करवाने। नेक्स्ट प्लान करती हूँ मैं, जल्दी करती हूँ। फ्राइडे से मैं फ्राइडे से नहीं कह रही ना, बच्चे स्कूल जाते हैं फ्राइडे को, तो शाम को। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो आप सब सोच रहे होंगे क्या हुआ है मुझे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ एक हैक शेयर किया जाए बिना रिमूव किए। मैं पहले जा रही थी क्लीन करने, फिर मैंने सोचा आप लोग को भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो। मैंने यहाँ पर लगाया है कोलगेट, क्योंकि मुझे ना हल्का सा पेन हो रहा था, और जब मेरे यहाँ पर या फिर स्किन में कहीं पर भी पेन होता है, इट मीन्स कि कुछ पिंपल या फिर कुछ भी दाना वगैरह आने वाला है, तो उसके पहले ही मैं उसे ख़त्म कर देती हूँ। तो आप हल्का सा कोलगेट लगा लीजिए, अगर आपके भी कहीं पर इस तरीके से कुछ रेड रेड सा हो रहा है और पेन हो रहा है हल्का सा, एक रैसेस होते हैं वो समझ में आ जाता है कि हाँ वो रैसेस है, वो अलग से समझ में आता है। बट जो पिंपल का पेन होता है वो भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये पिंपल का पेन है। तो मेरे यहाँ पर पिंपल आने वाला था, हल्का सा दाना आने वाला था, तो मैंने सोचा कि कोलगेट लगा लेते हैं। फिर अजीब सा, फिर दिखता बहुत अजीब सा होता है, ऐसी जगह पर आ रहा था, तो इसको लगा लीजिए होल नाइट। अगर आप रात में सो रहे हैं तो होल नाइट लगा लीजिए, उसके बाद आप मॉर्निंग में रिमूव कर लीजिए, या फिर हल्का सा जब जैसे ही आपको पता चले, जैसे ही हल्का सा भी लगे कि हाँ आने वाला है, वैसे ही पता चले वैसे ही लगा लीजिए, घंटे दो घंटे बाद आप रिमूव कर लीजिए, एकदम दूसरे दिन आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर दाना भी निकल आया है तो भी आप लोग लगा लीजिए, तो दाना निकलने के बाद वो अंदर दब जाता है, फिर कुछ नहीं होता है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ये हैक शेयर किया जाए, अगर पता है तो इट्स ओके, जिनको नहीं पता उनके लिए बेनिफिट होगा। तो चलो मैं फेस क्लीन करके आती हूँ। तो मैंने चेंज कर लिया है अपनी ड्रेस, मैं जा रही हूँ आज अपनी फ्रेंड के यहाँ, गेट टुगेदर है छोटा सा, और फटाफट से हेयर स्टाइल करते हैं और हल्का फुल्का सा कुछ मेकअप करते हैं, फिर मिलती हूँ। श्वेता ने नहीं पहना, जल्दी से पहन के आओ। तो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ईजी सी हेयर स्टाइल, क्योंकि जब से मेरा हेयर कट हुआ है ना, ये गंदा सा, मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं कर पा रही हूँ, तो दोबारा मैं गलती नहीं करने वाली। जो भी हेयर कट करते हैं उन लोगों का कहना कभी भी नहीं मानना चाहिए, वो लोग बोलते हैं ऐसा हेयर कट करा लो ये अच्छा लगेगा, और मैंने जो बोला था वैसा उन्होंने किया ही नहीं सबसे पहली बात तो। तो देखो मैंने क्या किया है, आप लोग भी इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हैं, फटाफट से हो जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है ओपन हेयर्स में। तो मैंने बीच से मांग पार्टीशन किया है और यहाँ से मैंने सीधा किया है, क्योंकि ये इतनी बस थोड़ी सी मैंने मांग निकाली है। उसके बाद सिंपली हमेशा की तरह यहाँ से थोड़ा सा हेयर्स लेना है, ट्विस्ट करना है सिंपली, फिर थोड़ा सा फ्लिक फ्लिक कर इस तरह से ट्विस्ट करना है। तो आज सैटरडे और मेरे हेयर्स भी हो गए हैं ऑयली ऑयली, क्योंकि मैं वेंसडे एंड संडे क्लीन करती हूँ, डेली भी मैं पानी नहीं डालती हूँ बालों में। तो देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा सा निकाल लिया है, थोड़ा ऑयली ऑयली भी हो गया है मेरा हेयर। ओके, तो ये मैंने ऊपर से इसलिए जुड़ा बनाया है, जब इसको ओपन करेंगे ना तो ये हाइड हो जाएगा, आपकी क्लिप्स नहीं दिखेगी, और बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़े से हेयर्स उठे उठे रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो सेकंड वाला भी मैं इसी तरीके से ट्विस्ट करूँगी और फटाफट से इस तरह से हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे उठा दूँगी, तो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा, अच्छा लगता है। तो मेरे ऊपर फ्लफ़ी हेयर स्टाइल्स अच्छी लगती हैं, और आगे से कुछ ज़्यादा ही मेरा हेयर छोटा हो गया तो साइड साइड से निकलने भी लगता है। ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से सिंपली किया है। नाउ मैं इसको रिमूव कर दूंगी और आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि मेरे हेयर्स थोड़े से हो गए हैं ऑयली ऑयली और थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम हाफ मांग निकालते हैं, हाफ छोड़ते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे उठा उठा आता है, और मैं सामने से आप लोग को दिखाती हूँ इस तरीके से उठा उठा आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ। तो मेकअप जब भी करती हूँ मैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा लगाती हूँ कोई भी मॉइस्चराइज़र, अपना फेवरेट, तो हल्का सा मैं इस तरह से मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। और जब भी मॉइस्चराइज़र लगाओ तो हल्का सा उसको 30 सेकेंड रेस्ट करने दें, और अपने लिप्स को मॉइस्ट करना ना भूलें जब भी आप लिपस्टिक या कुछ भी अप्लाई करते हैं ना। सो अब मैं ये लगाऊंगी, तो बेटी मेरी बैकग्राउंड में पता नहीं क्या गा रही है। ओके, सो मैंने लिया है बहुत ही थोड़ा सा, मैं फेस टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन बहुत थोड़ा सा लिया है, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि गेट टुगेदर पार्टी है, नॉर्मली ऐसी सिंपली है तो हमेशा एक जैसा नहीं बन के रहना चाहिए, बहुत हैवी मेकअप नहीं करूँगी मैं। और थोड़ा सा मैंने ये लिया है एल्यूमिनेटर, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो इसके इससे आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है। तो दोनों को मैं मिक्स करके लगा लेती हूँ, जब मुझे ऐसे ही कहीं पर जल्दी जाना होता है या फिर मुझे मतलब
छोटी मोटी पार्टीज में जाना होता है तो मैं प्रॉपर मेकअप नहीं करती हूँ कि पहले मैंने प्राइमर लगाया फिर आपका जो भी होता है मैं यही सब सीधा यही लगाती हूँ। मैं फिर मैं जैसे किसी शादी में जा रही हूँ या अच्छे फंक्शन में जा रही हूँ बर्थडे या फिर कुछ अच्छा ओकेज़न है तब मैं अप्लाई करती हूँ। तो अब मैं हाथों से ही अपने अप्लाई करूँगी, हाथ से फटाफट से हो जाता है और इक्वल हो जाता है, इक्वली अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो टैप टैप करना होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने हल्का सा आंखों के ऊपर भी लगाया, कंसीलर भी मेरा हो गया है क्योंकि हल्का हल्का सा डार्क सर्कल था, बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का ही था। तो मैंने सोचा क्यों बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई की जाए स्किन में, तो बहुत ही सेम चीज़ों से। श्वरा मैं देख रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, अपने मम्मा का कुछ सामान लिया? नो डोंट अप्लाई, तो बच्चों से अपना सामान तो बहुत ही बचा कर रखो क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वो कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं अपने आप से और फिर इनके स्किन रैशेज हो जाते हैं। श्वरा डोंट टच, इट्स माई ना। सो मैंने ग्लो सीरम वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और आप लोगों आईब्रो का जुगाड़ बताती हूँ मैं कि आईब्रोज आप इस तरीके से ब्राउन शेड ले लीजिए अगर आपका ब्लैक है आईब्रो, और बस हल्का हल्का इस तरीके से फिल कर लीजिए। तो मुझे तो अपनी आईब्रो बनाने का टाइम भी नहीं मिला इतने दिन से, बट इतनी भी अभी समझ में नहीं आ रही है, घर के काम से नहीं फुर्सत मिलता। तो आज हस्बैंड हैं घर में, नहीं तो मैं गुनू को भी लेकर जाती, और गुनू मेरा सो गया है, शाम हो रही है सो गया है। तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया है कि आप उसको उठा देना, नहीं तो काफ़ी लेट तक सोएगा और फिर मैं आऊँगी तो फिर वो उठेगा मतलब रात में, फिर सोएगा नहीं, फिर मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। शोना डोंट टच एनीथिंग, मम्मा को जो समझ में आएगा आपको अप्लाई कर देगी फेस पे। फेस बेबी क्रीम जो होती है ना, ये मेकअप रिमूवर है, इससे ब्रशेस क्लीन करते हैं। ओके, तो अभी थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, स्पोली से मैं सेट कर लेती हूँ तो फिर वो ठीक हो जाता है। शोना हटोगे तो हल्का सा मैं इस तरीके से स्पोली से इस तरीके से इक्वल कर लूँगी। तो यूज़र का इक्वल हो गया है, ये बहुत सही रहता है। हल्का सा भी अगर आपको लग रहा है एक्सेस है तो एक्सेस रहता नहीं है वो, जिस समय हम मेकअप कर रहे होते हैं ना तो सबसे पहले मैं आई मेकअप करती हूँ, तो बाकी का कुछ करती नहीं हूँ, तो ऐसा लगता है कि एक्सेस हो गया, बट एक्सेस होता नहीं है, वो हमें ऐसा लगता है क्योंकि नेचुरल होती हैं आईब्रो। और हल्का सा हम उन्हें कुछ भी लगाते हैं तो वो लगने लगता है कि एक्सेस हो गया है। ओके, सो आज मैं लाइनर नहीं लगाने वाली और ना ही आई शेडो लगाने वाली हूँ, मैं सीधा काजल अप्लाई करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, मैंने काजल नहीं लगाया है, तो मेरे ऊपर सभी बोलते हैं काजल अच्छा लगता है, तो पहले मैं रेगुलर लगाती थी, अभी मैं नहीं लगाती हूँ। तो आप लोग बताइए, अभी पूरा मेकअप हो जाने दीजिए फिर बताइए मेरे ऊपर काजल अच्छा लगता है या नहीं। मुझे तो अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को तो मेरे पर मेकअप ही नहीं अच्छा लगता, वो कहते हैं नेचुरल ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। मैंने कहा यार मेकअप है तो उनको अप्लाई करने के लिए ही है ना, थोड़ा थोड़ा तो कभी कभी तो चलता है, बट मुझे काजल लिटरली बहुत पसंद है, मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है। मैंने बीच में बंद कर दिया था जब दिल्ली आई, मैंने कहा वाओ ट्रेंड में है लाइनर सब लगाते हैं, तो मैंने भी लाइनर ही लगाना अब शुरू कर दिया था। लाइनर काजल बोथ मैं लगाती हूँ, जब मैंने कुछ ट्रेडिशनल पहना होता है और काफ़ी हैवी सा पहना होता है ना, तब मैं आईलाइनर एंड काजल दोनों लगाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत मोटा नहीं लगाया मैंने, तो आज मैंने यस काजल लगाया है फाइनली काफ़ी टाइम के बाद। श्वरा व्हाट आर यू डूइंग, श्वरा ने पहनी है बहुत ही प्यारी सी स्कर्ट एंड टॉप, अभी मैं दिखाऊंगी गुन्नू छोटू का प्यारा सा लुक। चलो मैं फटाफट से ओके मैं थोड़ा सा मस्कारा लगाऊं क्योंकि लाइनर नहीं लगाया है और मेरे पास आईलेसेस कर्लर नहीं है, तो मैंने सोचा इसके ही थ्रू मैं पूरा निकाल दूंगी, बहुत लाइट सा मैं लूंगी कि हल्का सा बस अलग अलग हो जाए आईलेसेस जो हैं। शोना अरे मैं कैट ले रहा था, कैट ले रहे थे आप? ओके 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 ओके। और यस मैंने एक बार इससे भी अप्लाई किया था, तो बहुत ही केयरफुली अप्लाई किया जाता है अपनी आईब्रोज पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है इसको अप्लाई करने के बाद, आईब्रोज बहुत अच्छी आती है। बट मैं किसी दिन आप लोगों को टाइम से करके दिखाऊंगी, अभी मैं बहुत ही फटाफट से बस मेकअप कर रही हूँ, बस आज का मेरा मेकअप इतना ही है। आप लोगों ने देखा मैंने कितना कम लगाया और बस लिप्स में ही लगाऊंगी। तो जो लोग बिल्कुल मेकअप नहीं करते उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही होगा, हो सकता है। तो बेस में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, काफ़ी कुछ होता है तो मैंने वो सब तो कुछ नहीं अप्लाई किया। तो मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, सुनो आप बताओ मैं न्यूड लिपस्टिक लगाऊं या पिंक लगाऊं? पिंक, श्वरा का ऑल टाइम फेवरेट पिंक एंड पर्पल।
अब ये मत बोल देना मामा पर्पल लिपस्टिक लगाओ, ओके नहीं मैं पिटाई करूंगी क्योंकि मैं पर्पल नहीं लगाऊंगी, मामा बहुत गंदी लगेगी। छोड़ा मेरी लिपस्टिक कहाँ है बेटा? अच्छा फेस शुगर की पॉप लिपस्टिक है, शुगर पॉप काफी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिक है ये। क्या मुझे ये वाला लिपस्टिक लगाई थी? लिपस्टिक लगाते ही बच्चे? अच्छा मम्मा लिपस्टिक लगा रही है, मुझे ये लगाना है। कुछ मम्मी क्या है ये? क्या है रे? लिपस्टिक खराब जाएगी। हाँ ठीक क्वाइट, ये तो बस हल्की सी खराबी होगी, चीक वाला। ओके That's done. Ma. सर हल्का सा ब्लश तो बनता है तो ब्लश भी मैंने लगाया था, मैंने जो थोड़ा ब्लश भी लगा लेते हैं। लगा लो ब्लश। मुझको ये ही शेड अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मैंने इतना लगाया है, मेरे ऊपर ये कलर खिलता है। ब्राउन पर्पल, इट्स नॉट अ पर्पल, इट्स अ ऑरेंजिश काइंड ऑफ ब्राउन ब्राउन। क्या ग्लो आ जाता है इसको लगाने के बाद? नहीं नहीं बार बार, बहुत ही थोड़ा सा। नहीं नहीं बार। तो नाना करते करते लास्ट में मेकअप ज्यादा ही हो जाता है, हल्का सा कुछ हाईलाइट कर लूं बस। स्वरा का इतना ज्यादा कर्ली बाल है, कितना मैसी हो जाता है सीरियसली, और बहुत मुश्किल होती है जब कहीं जाना होता है पार्टी फंक्शन में, तब तो ये नहीं रोती, बस बोलती मामा लग रहा है। और जब मैं इसको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ तब तो भी इतना ज़्यादा चिल्लाती है, रोती हूँ ना सोना मामा लग रहा है, नहीं करो कॉम, राइट कहते हो ना? क्यों तो कैटरपिलर बना दूँ आपको? नहीं। फिर क्या बनाऊँ? ऊन। हाँ ऊन। क्या बना दूँ? ऊन। ऊन क्या होता है? ऊन की हेयर स्टाइल। ऊन वाली हेयर स्टाइल कौन सी होती भाई, आप लोगों को पता है तो बताइए, मुझे तो नहीं भैया। वाला आपका काफी टाइम से आपका कॉम्ब नहीं मिल रहा है मुझे, और मुझे किसी भी कॉम्ब से करना पड़ता है। लगला है थोड़ा सा तो लगेगा बेटा, थोड़ा सा तो लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, मुझे नहीं लगता। कैटे बनाना मुझे कैटे, कोई ऐसा बनता है क्या? तो मैंने इस तरीके से स्वरा की पोनी की है, इतना हाँक के हेयर स्टाइल छोड़ रखी है। और मैंने ना ऐसे मैं लिंक आप लोग से शेयर करूंगी बच्चों के लिए, आप किस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हैं, तो मैंने काफ़ी सारी उसमें मैंने ये वाली हेयर स्टाइल भी बताई है। और नेक्स्ट मैं जल्दी पार्ट लेने वाली हूँ पार्ट टू, काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था, बट हाँ मैं पार्ट टू बनाऊंगी। अभी तक मैंने टू पोनीज का बताया है और अब मैं एक पोनी की हेयर स्टाइल्स बताऊंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो बच्चों के ऊपर देखो इतना ज़्यादा इसका हेयर्स मैसी मैसी सा रहता है। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। रबर बैंड कहाँ है? नीचे है, गिरा है। इट्स ओके ओके। यार बच्चों के साथ थोड़ा सा हो जाता है क्या, तो थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइजर लगा देती हूँ आपको, ठीक है? हैंड्स दिखाओ। चलो अभी कुछ नहीं यार, हम कहीं पार्टी में नहीं जा रहे हैं, मतलब जस्ट ऐसे आप अपनी फ्रेंड से मिलोगे और मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगी, दैट्स इट। तो अभी आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ओके? अच्छा कैसी लग रही है बताओ? मस्त। पक्का जाओ? मम्मा क्या कर ओ ईश्वरा का ये है फुल लुक। फुल लुक? हां फुल लुक के मतलब फुल लुक। फुल लुक चलो चलना है, चलो चलो। अच्छी लग रही हो ना? उल्लू उल्लू के मतलब फुल्लू। मामा मामा उल्लू के मतलब फुल्लू। डोर क्लोज कर। पापा उल्लू के मतलब फुल्लू। मामा हां मुझे पता है, जो मामा को करना है वो सब आपको करना है, ओके लेट्स गो। ऐसे हां स्वरा मुझे सिखा रही है, देखो आगे। ओके लेफ्ट आगे, लेट्स गो। कम स्वरा, वेट करो, आ रही है लिफ्ट। नो
इट्स मॉस्किटो, कम हियर श्वरा, कम, वेट करो, लिफ्ट आ रही है, कम, डोंट डू दिस बैड मैनर, ओए कम हियर, सॉरी की बच्ची, कम लेट्स गो, लिफ्ट आ गई, आचो आचो थोड़ा सैंडल रिमूव कर दो, हाय, चलो परी की फ्रेंड आ गई, हाय हाय, इसको देखो जल्दी बैठे चार बजे जगह, एक हाय, हेलो बोलो आंटी को, हेलो हाय हाय, तुम्हारे दोस्त को नहीं लाई इसकी फ्रेंड को लाई हूँ ना मैं, नहीं उसका, हाँ मुझे पता है वो सो रहा था और मैंने सोचा कि बिना बच्चों के दाम तो ज्यादा इंजॉय नहीं कर पाऊंगी, हाँ पापा घर पे थे इसीलिए छोड़ के आई हूँ, सब लोग आ गए, दे ऑल आर माय फ्रेंड आल्सो सोसाइटी, जाओ खेलो जाके, आजा नॉटी गर्ल, क्या बना रही हूँ नूडल्स, आज हम लोग आए हैं अपनी मेहमानी करवाने, नेक्स्ट प्लान करती हूँ मैं, जल्दी करती हूँ, फ्राइडे से मैं सोच रही हूँ, फ्राइडे से कह रही हूँ ना बच्चे स्कूल जाते हैं फ्राइडे को, तो शाम को क्या नवरात्रि आ रही है, मुझे नवरात्रि शुरू हो रहा है, नवरात्रि बाद ही रहती है ना फिर, हाँ बताती हूँ फिर मैं, बच्चे यहाँ देखो, बच्चे यहाँ देखो, बच्चा पार्टी, बेटा बेटा मनी भाई उस साइड में, उस साइड बैठो, हाँ उस साइड बैठो, वो भी आ जाएंगे, आप साफ चलोगे मेरे पास, लाऊं ये लाऊं क्या, चौमिन खाती नहीं, खाती चौमिन खाती है, अच्छा नानी क्या चले, चलो और भी भैया मैं गुन्नू उठ गया, उली बोबरे मुझे लग रहा अभी उठाई है, मम्मा आ गई, पहले पानी देना है उसको, उसके बाद